subscribe and press the bell icon for more updates. Hey, did you watch the movie? कैसी लगी? अच्छी नहीं है, बहुत फाइन. कैसी लगी? बहुत जबरदस्त. क्या बेस्ट लगा आपको? उसका दीपिका पादुकोण का रोल बहुत अच्छा है और मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया मूवी देख. कितना विवाद था फिल्म को लेके? क्या कोई विवाद जैसे? नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं मूवी में, कुछ भी नहीं था. जो इतना ये राजपूत पंगा कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. देखनी चाहिए मूवी, उनको भी देखनी चाहिए. ये लड़ाई झगड़ा सब बंद कर दें वो. ओके, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह. एक ऐसा सीन जो आपको याद रहे अभी तक? यही वाला जो आग में जाते हैं मरने के लिए, जलने के लिए. ओके, टोटल कैसा सीन मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल. कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 100. पद्मावती मूवी बहुत बेस्ट है, बहुत एकदम बाहुबली से जो रिलेटेड है उससे ज़्यादा बेस्ट ये मूवी लगी है मेरे को. तो इतना ज़्यादा जो भी हुआ था कि ये वो ऐसा हो गया करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी वर्ल्ड वाइड में जहाँ भी रिलीज़ हुई होगी, आप लोग बिंदास जाइए, देखिए, आपको मालूम चलेगा कि सिनेमा हॉल में क्या दिखाया जा रहा है. इस हिसाब से आपको मालूम होगा कैसी है ये पद्मावती. बेस्ट तो यार मैं तीनों का बोलना चाहूँगा, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर तो A1 था, और दीपिका पादुकोण का जो लास्ट का सीन था जो उसमें आग में जा रहे थे, तो बोल नहीं सकता, फैबुलस मूवी है. अरे वो फालतू है, उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए यहाँ पे आके, तभी उनको मालूम चलेगा कि ये मूवी का क्या सीक्वेंस था. उस हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पब्लिक जो भी है, जो विरोधी कर रही है, वो यहाँ पे आके देखे. आप सीन तो मुझे स्टार्टिंग से एंड तक का लगा था, जो उनका हेयर स्टाइल था रणवीर कपूर का विलन टाइप में, तो वो बेस्ट लगा मुझे. हर चीज़ बेस्ट था, फैबुलस मूवी है. सॉरी, मेरा 100 में से 100 है भाई. थैंक यू. ऑसम मूवी. क्या खास लगा आपको पद्मावती? उसमें जिस तरीके से कंडी सिन्हा ने मैसेज उठाया कि राजपूत को ऐसे दिखाया गया है, हमारी रानी को बदनाम किया गया है, बट ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है. उल्टा लड़कियों के लिए, आज के टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है उसके अंदर. तो मैं कंडी सिन्हा को ये कहूँगा कि वो खामोखा भी इस तरीके से ब्लेम ना करे किसी के ऊपर, और थैंक्स टू बंसाली जी कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म लेके आए हैं. आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ फीमेल, यू नो, क्योंकि एक रानी की बात करी जा रही है, इतना विवाद ही रानी की मान सम्मान को लेके था. आप खुद एक फीमेल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पद्मावत के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, मूवी बहुत अच्छी है, और जितना भी फालतू में जितना ड्रामा हो रहा है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है. सबको मूवी देखनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए. नो नथिंग, इट्स ऑसम मूवी. आई थिंक बाहुबली का इज द सेकेंड मूवी जो इस तरीके की मूवी आई है, और फैमिली बच्चों सबके साथ हम देख सकते हैं. इट्स वेरी नाइस मूवी. रणवीर सिंह इज, रणवीर इज द वेरी गुड एंड सेकेंड ऑप्शन इज दीपिका. बहुत अच्छा लगा. ओके, 5 out of 5. थैंक यू सो मच. वेलकम. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पद्मावती बहुत अच्छी मूवी बनाई है संदीला भंसाली ने. मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने इसलिए आया कि जैसे राजपूतों ने विरोध किया इसका, या जो सेना है वो उसने विरोध किया, वो अगर एक बार इस मूवी को आकर देखेंगे तो विरोध नहीं करेंगे, उल्टा प्रमोशन करेंगे, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनाई, एक्सीलेंट मूवी, मतलब बहुत पसंद आएगी लोगों को. आपको लगता है विवाद बेवजह ही था? मैं सोचता हूँ शायद वो लोग ने देखा नहीं, कॉन्सेप्ट देखा नहीं. संजय लीला भंसाली का अगर वो कॉन्सेप्ट देखें कि ये उनके बेस्ड बनाई गई है, मतलब उनके लिए बनाई गई है, एक्चुअल ये उनके लिए प्रशंसा है, हाँ उनके लिए बनाई गई है, तो अगर वो लोग एक बार देखेंगे तो कल से वो खुद प्रमोशन चालू कर देंगे इस मूवी का. नहीं कुछ भी नहीं है, बस जो खिलजी है और खिलजी के बारे में जो दिखाया गया, अगर वो सत्य है तो वाकई बहुत बुरा इंसान था, और राजा रतन जी जो दिखाया गया है, वो अगर जो कैरेक्टर दिखाया गया है दोनों का, उसमें से मैं बोलूँगा कि मतलब कहीं विवादित नहीं मूवी. ओके, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, किसका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा? दीपिका, 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 खाली दीपिका ने जो अदाकारी की है पूरी मूवी में, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी की है. ओके, क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा सीन जो जहन में रह गया हो? मूवी का जो घूमर गाना है, अगर कोई बारीकी से देखिए उसके जो स्टेप्स हैं जो डांस के, तो वो बोलेगा कि मतलब उसको रिसर्च करके बनाया गया वो गाना. घूमर हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जो राजस्थानी फोक है, उस फोक को रिसर्च करके वो गाना बनाया गया. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है. कितने मार्क्स दे रहे, कितने नंबर? मैं 5 दूंगा. थैंक यू, वेलकम. तो थोड़ा ठीक था. क्या अच्छा लगा आपको? वो एंड वाला था तो बहुत अच्छा था. शाहिद कपूर और रणवीर सिंह, कौन फेवरेट आपका? रणवीर सिंह. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लगी. बेस्ट पार्ट क्या लगा?
फिल्म का प्रेजेंटेशन, इसके आउटडोर सीन्स, सेट्स, म्यूजिक, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का सारे स्टार्स, उनकी एक्टिंग, आउटडोर लोकेशन, सेट्स और सारे स्टार्स की एक्टिंग, सारा कुछ बहुत लाजवाब लगा। गाने बहुत अच्छे लगे फिल्म में, हर सीन में हर वार्डरोब बहुत अच्छा लगा। अपना अपना नज़रिया है, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट ना करूं तो ही अच्छा है। मेरी नज़र में तो होना नहीं चाहिए, बट क्यों है ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। न्यूज़ पे सुनते रहते हैं, कई स्टेट्स में बैन भी किया गया है, बट समझ में नहीं आ रहा है क्यों किया गया है। सबसे पहला वाला सीन जब रानी पद्मावती दुल्हन के वेश में जब आती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। सॉरी, फाइव नहीं चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू संजय लीला भंसाली फॉर मेकिंग सच अ मूवी। क्या कंट्रोवर्सी है इसमें, हमें तो कुछ दिखी नहीं, हटाई होगी तो पता नहीं, सब ने देखनी चाहिए मूवी, शुड ब्रेक द रिकॉर्ड्स। विवाद चल रहा था, विवाद क्या रहे, क्या विवाद के जैसा कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कुछ है। तो हाँ लगनी चाहिए, एक्चुअली उनकी तो हिस्ट्री बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, दिखाई है। ऑब्जेक्शन शायद दूसरी क्लास को हो सकती है, आई डोंट वांट टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट, बट शायद वो ना हो इसलिए राजपूत ने ज़्यादा गड़बड़ कर दी। रणवीर सिंह और शाहिद कपूर, आई थिंक एज एन एक्टर रणवीर सिंह डेफिनेटली, दीपिका दिखी भी पद्मिनी और बिहेव या एक्टिंग क्षत्राणी, फंटास्टिक, 100 out of 100। बेस्ट सीन जो हाथ खंजर से काट के खून लगा लेता है एंड ही शोज हिज ट्रेट्स, टू मी दैट वाज द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी। पांच में से पांच। ओके, कैसी लगी फिल्म पद्मावत? बहुत खराब फिल्म है, बहुत खराब। बिकॉज जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने लिया अलाउद्दीन खिलजी, उसको हीरोइकनेस तरह से दिखा रहे हैं, उसको इस तरह के काम करते हुए दिखा रहे हैं जो आज की स्क्रीन में एक बी ग्रेड फिल्म मेकर भी नहीं किसी को दिखा सकता। एक फर्स्ट वॉर वो जीतता है किसी राजपूत किंग से, उसकी बेटी को उठा के लाता है चेन्स में बंधा हुआ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू से कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, रेप करना चाहता है या जो भी। उसके बाद उसको वॉरियर की तरह पोर्ट्रे कर रहा है, उसको लास्ट में भी जो सीन दिखाया है जिसमें दीपिका एंड ऑल द क्वींस आर रनिंग अवे इनटू फायर एंड खिलजी एंड हिज आर्मी इज चेजिंग बिहाइंड देम, आप किसी भी एक बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्म से कंपेयर कर सकते हो? इसमें एक रेपिस्ट भाग रहा है और एक लड़की भाग रही है। आज की फिल्म में जब हम लोग एक अलग सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सोसाइटी? व्हाई डू यू हैव टू चूज दिस सब्जेक्ट? यू कैन एज ए फिल्म मेकर, यू हैव सो मच ऑफ मनी। बाहुबली से इंस्पायर होकर उन्होंने बड़े बड़े झरने ले लिए, कासल ले लिया, 3D इफेक्ट्स ले लिया, पर इतना घटिया सब्जेक्ट लेके आया उसको फिर उस, और अच्छा चीज़ दिखाना है तो दिखाओ ना यार, लेकिन तुम्हें खिलजी को तुम उसके वीक पॉइंट्स दिखा ही नहीं रहा है। अगर वो होमोसेक्सुअल था, सबको पता है, हिस्टोरियंस को पता है कि वो होमोसेक्सुअल था, उसका हल्का सा एलिमेंट दिखा रहा है। कफूर उसको बस कह रहा है कि मलिक सुल्तान, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड ऑल। बट कोई भी इंसान, मैं एक बार चैलेंज करके पूछना चाहता हूँ मेकर्स को, इफ़ दे वॉन्टेड टू शो खिलजी इन बैड लाइट, ही कुड जस्ट आस्क एनी व्यूअर इफ ही कैन लाफ एट खिलजी। नो बडी कैन लाफ, बिकॉज खिलजी हैज बीन शोन एज ए ग्रेट, लाइक ही इज अ विनर इन द एंड, ही इज नॉट अ लूजर। ओके, इट इज टू, आई मीन कॉन्ट्रोवर्सी, आई एम नॉट ए पर्सन टू डिसाइड ऑन दीज बिग थिंग्स। एज ए ऑडियंस आई वुड से दैट पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ पावर, दे शुड एटलीस्ट हैव सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू not choose such instigating subjects. We are living in Mumbai, we are very educated people, we can talk about this, but think about interiors, people who have very limited resources, and on top of that, I am not a Rajput, I am not from any political party, but still I felt offended the way that he has shown women. He is thinking that okay, showing the Johar or showing a woman jumping into fire is an act of bravery. It is not. It is an act of disgust. And anybody who is watching the movie have to relive again the whole disgust. And on top of that, you are not showing anything bad about. Yeah, I mean, you are showing. You have taken Ranveer Singh as Khilji.
on top of that, if you want to show bad things about Khilji, take a weak character, no? Take a weak character to put Rawal Singh as Ranveer Singh. And Shahid is from frame one, he's being shown like very, very weak. So you really don't want to portray that. What do I say? Thank you so much. Thank you. Yeah, it's a good movie to watch. I think those people who are really creating a negative scenario towards this movie is very wrong. They should come and watch this movie. They should feel proud after watching this movie. Wonderful movie. Sanjay Leela Bhansali really done a very hard work, very good work. It can be seen. It can be seen. So I really say, please stop creating all this nonsense. Go and watch this movie. Make this country proud. Make Padmavati proud. This is really a proud moment for us. I really love this movie. And I give my whole wishes to Sanjay Leela Bhansali and their team, Shahid Kapoor, Ranveer Singh, Deepika Padukone, and other old team. They really have done fantastic work. Okay, who's the better performer, Shahid Kapoor, Ranveer Singh, Deepika Padukone? I'm watching this movie, I really don't want to compare anybody. They have done equally fantastic job. Khilji, they have done very good. Ranveer Singh, Shahid Kapoor has done a very good job. Everybody, Deepika definitely, there is no point of stars giving. It's a wonderful movie to watch. No matter of stars, should watch. You should watch. Thank you.